शाजापुर जिले मुख्य मुख्यालय पर पहुंचे बोल्दा निवासी पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि बोल्दा में वहां निवास करते हैं और सड़क के पास में एक शासकीय भूमि पर, जिस पर उनका 200 वर्ष से कब्जा था, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है और उनके साथ में मारपीट की गई है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार थाना अवंतीपुर बड़ोदिया भी पहुंचा था, लेकिन वहां पर भी पीड़ित के कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शाजापुर कलेक्टर एडिशन ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। समाज सेवी राधेश्याम मालवीय ने बताया कि ये पूरी घटना ग्राम बोल्दा थाना अवंतीपुर बड़ोदिया की है, जहां पर एक दलित परिवार जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन शाजापुर जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। देखिए, समस्या तो बड़ी गंभीर है समझा जाए तो। आज ग्राम बोल्दा गांव में ये 8 दिन के ठोकर खा रहे हैं। अवंतीपुर बड़ोदिया से थाना से लगा करके एसपी महोदय से लगा कर कलेक्टर महोदय से लगा कर एसडीएम तहसीलदार तक, पर ये जो प्रशासनिक अधिकारी बैठा है ये कहीं कहीं नेता की कठपुतलियां हैं। जो नेता कहता है उन इशारे पे चलता है। गरीब के साथ कितनी भी पीड़ा होती है उसकी आवाज़ कभी भी नहीं उठाता है। आवाज़ दबाने के प्रयास में लगे हुए हैं यहाँ के जो शाजापुर जिला का जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, ये नेता का सपोर्ट करता है, दबंग लोगों का सपोर्ट करता है, गरीब लोगों के साथ में कोई प्रशासन नहीं है। फालतू की बात, थाना कचेरी एजे के थाना ये सब लगा करके इनको बिठाए रखा है। इनको फोकट की तनख्वाह मिल रही है, जहाँ गरीबों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है पूरा जिले में। कहीं मार दिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है, कहीं गाड़ दिया जाता है, और अधिकारी कहने ये लोग आते हैं, तुम तो सेंटर रख के आए हो, तुम तो झूठी कहानी लेकर के आए हो। इस प्रकार इस दलित समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कब तक करोगे? बंद कर दो इन गरीबों पे अन्याय अत्याचार करना, और इनके साथ न्याय की बात करो, इनको न्याय दिलाने की बात करो। माननीय आज हमने कलेक्टर महोदय को भी एक ज्ञापन दिया गया है, एसपी साहब को भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं बड़े पीड़ित है शाजापुर जिले के अंदर, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वास्तविक घटना कौन से गांव की है, आज क्या मामला लेकर? आज ये मामला ज्ञापन लेके आए हैं। घटना यहाँ की बोल्दा गांव की है, जो महिलाओं के इनकी जो जगह थी वो छुड़ा ली गई है। ये 200 वर्ष से उन जगह पे बैठा है, इनका घोड़ा रोड़ी सब हटा दिया गया, इनकी गुमती फेंक दी गई है, इनका 50 से 60 हजार तक का नुकसान कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, और कहते हैं तो प्रशासन डंडा लेके इन पर तैयार है मारने के लिए। कहाँ आपने इसकी शिकायत की? बताया आपको कि एसपी से लगा के कलेक्टर से लगा के एसडीएम लगा के तहसीलदार, कहीं भी नहीं बचे। हरितन थाना से लेके पूरा प्रशासन अधिकारी सब उच्च अधिकारी तक हम ठोकर खा रहे हैं। ये दर दर की आज इनको खाने कमाने को नहीं मिला, सब भटक रहे हैं साहब। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या है साहब कि हमारा कुछ जगह ही नहीं है। सरकारी जगह में हम बैठा था, सरकारी जगह में से हमारा उठा दिया, भगा दिया, और हम गोबर लेके गए, हमारी गुमटी उमटी भी तोड़ दी, सब कर दिया, हमारा नुकसान, हम गरीब लोग कैसे पड़ता। 8-1.5 साल की हमारी गुमटी बन पड़ी, हम 1.5 साल का हमारा छोरा छोरी क्या खिलाए, हम गरीब है, हमारा कहना कुछ भी नहीं है, रोड पे खड़ा है हम तो रोड पे बैठा, तो रोड पे से भी हमारा भगा ही दिया। कौन सा गांव की घटना है? बोल्दा। और साहब हम यहाँ की जगह, फिर दूसरा दिन हमारा सब सामान फेंक दिया, फिर दूसरा दिन हम गोबर फेंकने गए वहाँ, तो रोड का साइड में हमने गोबर फेंका, तो रोड का साइड में गोबर फेंका तो हमारे को गाली बकने लग गया। गाली बकते बकते ने मेरे को, मैंने कहने गई तो, और मेरे को झूमा झक्की करी, और 5 लोगों ने मेरे को फेंक दी तार में घिस दी मेरे को साथ। मैं क्या करती अकेली, मेरी जिठानी छुड़ा भी गई तो मेरी जिठानी के फेंक दी, उनको फेंक दी। आपको चोटें आई क्या? हाँ, चोटें आई साहब, ने कोई नहीं सुनाई करा हमारी, वहाँ लिखा मेडिकल करवा पे था, हमारा कुछ भी नहीं दिया, एक गोली भी नहीं दी, एक टुक भी नहीं दिया। आप थाने पे गए थे? हाँ, थाना पे भी गया था। क्या बोला थानेदार ने? थानेदार ने क्या बोला, कहते हाँ बस सब हो गया के जाओ। मामला दर्ज नहीं किया गया? नहीं किया हमारा कुछ साहब। आरो मेडिकल कर, वहाँ भी हमारा डराती चमकाती। नाम है आपका? कांता भाई।